नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो सामने देखिए, मेरा एक बोनसाई रखा है, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। पहले मैं दिखा देती हूँ मेरे इस पेड़ को। यूँ तो मैं ज़्यादातर सब्जियाँ उगाती हूँ, आप देखते ही रहते होंगे मेरे वीडियो, पर कुछ कुछ मेरे पास बोनसाई के प्लांट भी हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे बोनसाई बना पाऊँ। तो ये मेरा बहुत पुराना पेड़ है, ऐसे तो मेरा ये 4-5 साल पुराना है और मैं हर साल इसमें 1-1.5 साल में इसका पॉटिंग मिक्स चेंज कर देती हूँ, जब ये रूट्स बहुत सारी हो जाती हैं। तो मैं अपने इस प्लांट की केयर कैसे कर रही हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरी आदत है कि मैं जो खुद कर रही हूँ और वो सब कुछ करते हुए मुझे जो जो अनुभव हुआ मैं वही शेयर करती हूँ। मैं कहीं से पढ़ी हुई जानकारी कभी नहीं शेयर करती, जो मेरे पास है, जो कि प्रमाण है। देखिए आप, तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी एरियल रूट्स निकल रही हैं। ये फाइकस प्रजाति का पौधा है, बरगद, पीपल, गूलर, इनके जो ये अलग अलग नाम होते हैं हमारे भारतीय एटमॉस्फेयर में, ये बहुत अच्छे से होते हैं। और बरगद को तो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, अगर बड़ा पेड़ होता है तो ये बरगद की जो एरियल रूट्स हैं वो अच्छी मात्रा में निकलती हैं और यही एरियल रूट नीचे जाके ज़मीन में टच हो जाती हैं और फिर वहीं से एक नया प्लांट बन जाता है। ऐसे बरगद अपने आप को पूरे कई बड़े एरिया में फैला लेता है और विशाल वृक्ष बनता है। तो ये छोटी सी ट्रे में देखिए मेरा बरगद, और इसमें कितनी सारी एरियल रूट, और आप इसमें स्ट्रॉ लगे देख रहे होंगे। बस मैं यही बताने वाली हूँ वीडियो में कि इसकी मिट्टी, बोनसाई की जो मिट्टी है वो आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे। तो मैं तो जो खुद कर रही हूँ वही मैं बताती हूँ। मेरे इसमें मेरी क्यारी की जो गार्डन सॉइल है वो है, और मेरी सॉइल में पत्ती का खाद हमेशा रहता ही है, जो किचन गार्बेज का, तो वो खाद मिक्स मेरी मिट्टी है और इसमें मैंने रेत मिलाई है। और रेत भी मैं बहुत बारीक वाली नहीं मिलाती, मोटी वाली रेत मिलाई है। और हर साल जब मैं इसको प्लांट करती हूँ तो थोड़ी सी रूट ऊपर कर देती हूँ। अब आप देखिए कि जो ये एरियल रूट्स हैं बहुत सारी निकल रही हैं और मैंने इसमें ये स्ट्रॉ लगा दी है, देखिए। और आप देखिए ये नीचे तक आ गया है। और असल में ये जब नीचे तक टच हो रहा था मुझे तभी ये स्ट्रॉ हटा देना चाहिए था, तो ये आसानी से निकल जाता, पर कोई नहीं, अब मैं इसको काट दूंगी, ब्लेड से स्ट्रॉ को काट दूंगी। अभी मेरे एक हाथ में फ़ोन है, नहीं तो मैं आपको काट के बताती। ऐसे खींच के भी निकल सकता है, पर यहाँ देखिए ये सिरा मोटा हो गया है। बाद में जब हमारी रूट्स नीचे तक पहुँच जाती हैं, मेरा ये पाइप लगाने का उद्देश्य यही था कि पाइप के थ्रू जब मॉइस्चर जाता तो उसमें सीधे यहाँ पहुँच जाती। अब मैं इसको सबसे पहले इसको ब्लेड से निकाल दूंगी, पूरा पाइप काट दूंगी और ये रूट्स यहाँ पहुँच जाएंगी। और जब ये छोटे से पौधे में ढेर सारी एरियल रूट्स बनेंगी, तो एरियल रूट्स को अगर हम ये पाइप नहीं लगाते हैं तो क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप, ये एरियल रूट है और ये देखिए यहाँ से टिप से ये बिल्कुल सूख गई। तो अगर हमने पाइप लगा दिया तो पाइप में थोड़ा मॉइस्चर गया और मॉइस्चर के थ्रू वो नीचे तक, यही रूट नीचे तक आ जाती है अगर मैं इसमें पाइप लगा देती। तो मैं आज केवल यही बताना चाह रही थी कि बरगद में या फाइकस ग्रुप के किसी भी प्लांट के एरियल रूट हमें चाहिए, जितनी चाहिए हम उन एरियल रूट्स में पाइप लगा देंगे तो हमारा पौधा बहुत सुंदर शेप गेन कर लेगा। ये देखिए बिना पाइप के भी कुछ रूट्स पहुंची हैं नीचे, वो इसलिए कि इस साल बारिश बहुत अच्छी है, अगर बीच में भी धूप खुल गई तो ये यहीं सूख जाएंगी। इन रूट्स को बड़ा मॉइस्ट वेदर चाहिए। ये देखिए
ये बिना पाइप के ही पहुंच गई है, अच्छी बात है। और इसमें भी वही हुआ है, मुझे पाइप काटना पड़ेगा इसमें, ये बिना पाइप के पहुंच गई है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कि इसको एटमॉस्फेयर कैसा चाहिए, इसको मिट्टी कैसी चाहिए। तो मिट्टी में तो मैंने बताया कि मैंने मोटी वाली रेत मिलाई है, गार्डन सॉइल मिलाई है, खाद मिलाई है, और मैं ऊपर से इसमें एनपीके ऐसा कुछ भी नहीं देती हूँ। कभी साल में एक बार थोड़ी बहुत वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ। एक्स्ट्रा ब्रांचेज जो निकलती हैं वो हम प्रून कर देते हैं, क्योंकि इसको शेप देना होता है। और अभी मैंने इसकी ये रूट्स भी नीचे कर ली हैं, तो इसमें नई शाखाएँ बन जाएंगी। नीम ऑयल मैं इस पर छिड़कती हूँ, सारे पौधों पे छिड़कती हूँ, तो मैं प्रिकॉशनरी इस पे भी छिड़क देती हूँ। और रख रही हूँ मैं इसे, अभी बारिश पूरा रहेगा, पूरी ठंड रहेगा ये छत पे, उसके बाद मैं इसे बालकनी में या किसी नीचे जो हमारा गार्डन है, बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पेड़ की छाया में ले जाती हूँ। तो या तो हम बड़े पेड़ की छाया में रख दें, इसे गर्मी में बहुत दिक्कत होती है बचाने में, और ये छत पर सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि छोटी सी ट्रे है, छोटा सा प्लांट है, और देखिए इतनी मेहनत से बनाया हुआ इतना पुराना प्लांट, और गर्मी में अगर तेज़ सनलाइट पड़ती है तो ये पत्ते पूरे ऐसे जल जाते हैं एकदम। तो ये हमें, तब हमें इसके लिए शेड चाहिए, या फिर हम अच्छा मोटी जाली वाला 100% बचाने वाला ग्रीन नेट अगर छत पे लगा देंगे, तो हम ग्रीन नेट के नीचे इसे रखेंगे और रोज़ हम इसको शावर से नहलाएंगे, वो भी शाम को, तो ये गर्मी के 4 महीने निकाल लेंगे और बचे रहेंगे और बरसात में फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बरगद का बोनसाई बनाना और उसमें एरियल रूट्स डेवलप करना कैसे की जाती हैं और उसको कैसा रख रखाव करना। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और आपने सीखा होगा कि कैसे इसको कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। नमस्कार।